क्रिटिसिज्म ऑन लिपसेट लिपसेट के हाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौजूद जो उससे पहले बहुत क्लियरली तहरीर में नहीं आए थे क्योंकि लिपसेट ने उनके बारे में बात की है तो यकीन फिर उसके बाद आने वाले और फिर ख़ास तौर पर उसके जो कंटम्प्रेरीज़ थे उन्होंने कुछ हवालों से क्रिटिसिज्म भी हाई किया तो इस वजह से जहाँ लिप की बहुत सारी खिदमांत को समझना ज़रूरी है कॉन्ट्रीब्यूशनस को समझना ज़रूरी है वहाँ लिपसेट के बारे में जो क्रिटिसिज्म है उसको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इस पर मोस्ट स्टडीड टॉपिक ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड सिंस लिपसेट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड एंड ही इंगेज विद लॉट ऑफ मैनी अदर पोलिटिकल साइंटिस्ट एंड पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट those have evaluated the impact of economic development on democracy and the uh, democratic transitions as well as on the uh, existing democracies that how they have established their relationship with the economic development. So uh, specifically with this perspective uh, as Lipset has insisted that economic development among other things, is one of the social uh, requisite of democracy. so, th specifically this perspective, and this has highlighted uh, the criticism on lipset's contribution, because uh, some uh, contemporary political sociologists, they argue that although economic development influences democratic survival, more than it influences Transitions from dictatorship to democracy, but uh, whether how we can determine that if uh, some people are poor in a country, whether they are not democratic and uh, will they not be able to vote Aap, a political party, if it is not economically, zyada developed. या किसी मुल्क के अंदर अगर इकनॉमिक डेवलपमेंट की परसेंटेज या रेशो को नहीं है तो क्या वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर रुक जाएगा क्या जहाँ पर डिक्टेटर्स आते हैं और वो बहुत स्पीड से इकनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं तो फिर डिक्टेटरशिप का और डेमोक्रेसी का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं इनको उठाकर लिपसेट के बारे में उसकी फ़िलोसफी के बारे में तराजात जो हैं वो किए जाते रहे हैं जिनके अगर हम उनको इवेलुएट करें इस क्रिटिसिज्म को तो उसके पीछे भी एक हमें लॉजिक जो है वो नज़र आती है और इस डिबेट के अंदर भी हमें जान नज़र आती है ऐसे ही वन लिपसट है क्रिटिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड डेमोक्रेसी कि जहाँ मॉडर्नाइजेशन है उसकी बेस जो है वो डेमोक्रेसी है अब उसके पैरल बहुत सारे ऐसे नाइनटीन सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ के अंदर हमें ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि कई मुल्कों के अंदर जो है वो आ, डिक्टेटर्स आए और उन्होंने अपने लोगों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो लेकर चले गए और उन मुल्कों के अंदर आज भी बात होती है कि उनके डिक्टेटर्स के टाइम पीरियड पर वहाँ पर इंडस्ट्रियली ज़्यादा डेवलपमेंट हुई लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे हालांकि हकीकत में देखा जाए तो जो डिक्टेटरशिप का जो टाइम पीरियड होता है और ये फैक्ट्स प्रूव करते हैं कि वो आर्टिफिशियल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं वो इन द लॉन्ग रन लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बेहतरी नहीं आ रही होती लेकिन चूँकि ज़ाहरी तौर पर बहुत बेहतरी आती है तो अब अगर इस परस्पेक्टिव को देखा जाए तो लिपसट का जो फ़िलासफी है कि मॉडर्नाइजेशन एंड डेमोक्रेसी दे अ डीप रिलेशनशिप रादर दैट डिक्टेटरशिप और एंड मॉडर्नाइजेशन हैव एनी काइंड रिलेशनशिप लेकिन क्योंकि अगर कंपेरिटिव एनालिसिस की बात की जाए तो बहुत सारे जो लिखने वाले हैं वो इसको इस अंदाज में भी लिखते हैं और वो बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं तो हिज आर्गुमेंट इज़ दैट द पर कैपिटल इनकम एंड डेमोक्रेसी दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट लेकिन यहाँ फिर ये सवाल उठता है कि क्या वो लोग जिनकी इनकम कम होगी क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगे इन देयर बिहेवियर या उनका डेमोक्रेसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज भी कर जाए लेकिन उस वक्त अगर एक मुल्क जो है वो फ्राम ट्रांज़िशनल फ़ेज से गुजर रहा हो तो फिर कौन सी आ, कौन सा रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा क्योंकि अगर कोई ट्रांज़िशनल फ़ेज से गुजरते हुए उस वक़्त पर कैपिटल इनकम कम हो लेकिन लोगों का बिहेवियर ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सकता है इंस्टेड व्हेन दे मे इन्जॉय मोर पर कैपिटा इनकम बट देयर बिहेवियर कैन बी मोर एरिस्टोक्रेटिक और लेसर डेमोक्रेटिक तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और फिर ख़ास तौर पर एक सवाल ये भी है दैट द कंट्रीज दोज आर रिच डेमोक्रेसीज बट समाइम्स दे डू नाट बिहेव इन अ मोर डेमोक्रेटिक वे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है लेकिन उनका बिहेवियर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो फिर उस वक्त लिपसेट की जो फ़िलोसफी है उसको वो कैसे एप्लीकेबल होगी लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो मुल्क आ, जैसे लिपसेट ने कहा दैट मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर एनवायरनमेंट दे ट्राई टू दे ट्राई टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर देयर पीपल एंड Uh, definitely for a more peaceful transitionary phase towards a democratic culture. So uh, there are, there can be some arguments in favor of Lipset's argument but there is again a criticism as well as on the philosophical contributions by Lipset specifically regarding the question that who can be more democratic or how economic development play role in the uh, establishment of uh, uh, democratic culture and uh, uh, whether the democracies in modern time periods how they will move towards the modernization whether it is the economic development only be facilitating this procedure or there are some uh, more realities because लिपसेट हैज़ ऑल्सो हैड अ ग्रेट डिबेट रिगार्डिंग द सोशल बेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सो हम ये कह सकते हैं कि लिपसट uh, के बारे में जब ये कहा जाए कि सिर्फ वो इकनॉमिक बेसिस को हाईलाइट करते हैं तो ऐसा नहीं है लिपसेट ने सोशल uh, बेसिस पर भी फोकस किया है ऐसे ही लिपसेट ने क्लास सिस्टम के ड्रॉबैक्स को भी हाईलाइट किया है सोशल मोबिलिटी की इम्पॉटेंस को भी ट्रेड यूनियंस को भी तो चूँकि लिपसेट के यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं तो इसलिए कुछ डायमेंशनस ऐसी हैं जहाँ पर क्रिटिसिज्म हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशनस को डिनाई कर